प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का अर्थात सभी कक्षा 12th आर्ट संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थी कारक का मैटर पढ़ रहे हैं, तो अपना आज कारक है दूसरा कर्म कारक। प्रिय विद्यार्थियों, कर्म कारक में जो विभक्ति होती है वो द्वितीय है और इसका जो चिन्ह है वो है को। परिभाषा है, कर्ता क्रिया या अत्यधिक रूपेण यम इच्छति, कर्ता क्रिया के द्वारा अत्यधिक रूप से जिसको चाहता है या अभिलाषा करता है, इच्छा करता है, तस्य कर्म संज्ञा होती है, उसमें कर्म संज्ञा होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मोहन पुस्तकम पढ़ती, अब यहाँ पर मोहन ये करता है और कर्ता का संबंध इससे है और इस कार्य का संबंध भी इससे है। मोहन पढ़ रहा है, बिल्कुल करता हो गया, लेकिन पढ़ क्या रहा है? पुस्तक। तो यहाँ पर कर्म हो गया, तो इसमें कर्म कारक है। अपन रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति, रेखांकित पदे कौन सी विभक्ति? द्वितीय, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, कारण कर्मणी योगी, कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप समझो कि आपको जिस तरह से संधियों में सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, सूत्र लिखते हैं, उसी प्रकार से जो कारक हैं इनमें भी हमें सूत्र लिखना पड़ेगा, कारण में सूत्र लिखना पड़ेगा। जैसे अपने पास पहला जो सूत्र है, अभितय परितय समया निकषा हाथ दिक् प्रति, ये सूत्र है। अभितय यानी दोनों ओर, परितय यानी चारों ओर, समया निकषा यानी पास में, हा यानी हाथ, दिक् यानी दिक्कार, प्रति यानी ओर, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अपन मैं एक मतलब वाक्य लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मोहने विद्यालयम अभितय धावती, ये जैसे अपने पास वाक्य है, मोहन विद्यालय के दोनों ओर दौड़ता है, तो यहाँ पर विद्यालय ये भी कारक है, ये करता है, ये कर्म है, लेकिन कर्म में द्वितीय विभक्ति है, रेखांकित पद है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति कारण क्या है, द्वितीय विभक्ति कैसे है? तो अभितय के योग में, तो अभितय वाला सूत्र कौन सा है? ये अभितय परितय समया निकषा हा दिक् प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति अस्ति, ये अपने को लिखना पड़ेगा। अपन लिखेंगे इसमें रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति, कारण अभितय परितय समया निक्षा हा दिक् प्रति योगी, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये सूत्र अपने को लिखना पड़ेगा, जबकि अपने को अभितय नहीं लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, अभितय परितय समया निक्षा हा दिक् प्रति योगी द्वितीय विभक्ति अस्ति, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है ये विद्यालय के दोनों ओर दौड़ रहा है, तो ये अपने को सूत्र लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगला जो सूत्र के माध्यम से आपको जो बताया जाएगा वो इस प्रकार से, ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सूत्रों के आधार पर ही कारक का उत्तर होता है, कारक को पहचाना जाता है। दूसरा जो सूत्र है अपना वो है आदि, दूसरा सूत्र इसका है आदि इस्तासाम, कर्म योगे द्वितीय, ये सूत्र है, ये सूत्र दूसरा सूत्र है, आदि से इस्तासाम योगे कर्म अर्थात द्वितीय भक्ति। आदि उपसर्ग के बाद उपसर्ग के बाद सी को दूसरा नाम है सै, सी स्था जिसको बोलते तिष्ठ,
सी इस्ता आश धातु के युग में योग में कर्मकारक है, बहुत ही कर्मकारक होता है। जैसे जैसे अपने पास है सुरेश है, सयाम अधिशीति, ये है। सुरेश चारपाई पर सो रहा है तो अपन लिखेंगे रेखांकित पदे द्वितीया विभक्ति अस्ति, कारण कारण लिखेंगे आदि सिंह इस्तासाम योगी, ये सूत्र आ गया। इस सूत्र के माध्यम से इसमें देखो अधि उपसर्ग है, ये अधि उपसर्ग, ये अधि उपसर्ग, और सी सी धातु है, सी धातु में अति प्रत्यय लगा हुआ आत्मनिपति धातु रूप है, अति लगाने से चेते बना कि सुरेश सैया पर सो रहा है तो रेखांकित पद में द्वितीय व्यक्ति है, आदि सिंह इस्तासाम योगी द्वितीय। इस प्रकार से आप इन सूत्रों को याद रखें, सूत्रों के आधार पर ही आपको लिखना पड़ेगा। सूत्र याद नहीं रहेंगे तो आपको इसमें कोई मतलब अंक प्राप्त नहीं होंगे, सूत्र याद रखने पड़ेंगे और सूत्र का अर्थ भी याद रखें आप किस कारण से। अगला जो है वह है अभी तीसरा जो सूत्र है इसका अभी अभी नी वशश्च, योगे दीतिया। इसका क्या है कि अभी वै नी ये दो उपसर्ग हैं, अभी और नी, उपसर्ग के बाद विष धातु का प्रयोग होता है का प्रयोग होता है तो वहां कर्म संज्ञा होती है। अभी वह नी उपसर्ग के बाद अगर विष धातु होती है तो वहां पर क्या होता है कर्म संज्ञा होती है। जैसे दिनेश है, जैसे जैसे दिनेश है शन मार्गम, शन मार्गम अभिनियुस्ति, दिनेश शन मार्ग की ओर प्रवेश करता है, विष का मतलब होता है प्रवेश करना, विष का मतलब प्रवेश करना, शन मार्ग की ओर अभिनिवस्ते प्रवेश करता है, अभिनिवस्ते है निविस्ते निविस्ते, तो यहाँ पर हो जाएगा रेखांकित पदे, रेखांकित पदे द्वितीय व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति है द्वितीय व्यक्ति, कारण कारण हो जाएगा, ये सूत्र लिखना पड़ेगा अभी नी वशश्च योगी। अभी और नी ये विष धातु अभी और नी उपसर्ग के बाद में और विष धातु से पहले आए, अभी आ जाए नी आ जाए तो वहां पर होता है
कर्म संज्ञा, वहाँ पर होती द्वितीय विभक्ति। इस सूत्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये वाक्य। अब अगला जो सूत्र है वो एक सूत्र आपको और बताया जा रहा है, उसके बाद में उससे आगे और है, थोड़ा सा और बताएंगे फिर आगे। इससे आगे एक सूत्र और है, उस सूत्र के माध्यम से आप द्वितीय विभक्ति को समझें। अगला जो सूत्र है उपान वद्धे आंग से, ये सूत्र है योगे द्वितीया। जैसे उप अनु अधि और आ, उपसर्ग के बाद वश धातु आए, वश का मतलब रहना, वश धातु आए तो उस वाक्य में कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म, कर्म का मतलब द्वितीय, कर्म संज्ञा होती है। जैसे 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 अपने पास है श्याम है, नगरम, उपवस्ती, यहां पर रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति, रेखांकित पदे द्वितीय, कारण कारण ये रहेगा उपान मध्यांग वसय, उपान वध्य आंग वसह योग्य। प्रिय विद्यार्थियों आप समझें कि इसमें श्याम नगर के समीप रहता है, नगर के पास रहता है, तो इसमें आप लिख देंगे, आप कर देंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति, कारण क्योंकि ये वश धातु, ये वश धातु, इससे पहले उप उपसर्ग है, तो इसमें लिखा है कि उप अनु अधि आ, ये जो चारों उपसर्ग हैं ये इन उपसर्गों के बाद में वश धातु आती है, तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। अगला जो सूत्र है उसके माध्यम से आपको और बताया जाएगा, एक सूत्र और है कर्म संज्ञा में, तो उसको आप अच्छी तरह देखें पढ़ें। जैसे एकथितम च, एकथितम च योगी, इसमें कर्म संज्ञा होती है एकथितम च योगी में। जैसे एकथितम च योगी के अंदर, यानी जो हमारे जो 16 धातुएं हैं उनमें द्विकर्म वाली धातुएं होती हूँ, उसमें दो कर्म होते हैं, उस दो कर्म के माध्यम से उसको कहा गया है एकथितम च योगी, यानी उनके माध्यम से, एक तो मतलब कर्मकारक होता है, एक होता है उसमें गौण कर्म, तो उसके माध्यम से उसमें एकथितम सूत्र लागू किया है। जैसे अपने पास है, इसमें लिखेंगे अपन कि इस सूत्र में 16 धातुएं ऐसी हैं जिनके योग में इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे दुह है, याच है, पच है, ये 16 धातुएं हैं। जैसे दुह है, जैसे दुह है, दुह का मतलब होता है दुहना, याच, याच का मतलब होता है मांगना,
इत्यादि जो धातुएं हैं, ये 16 धातुएं हैं, इनमें अपन कहेंगे जैसे उदाहरण है अपने पास, जैसे गोपाल है, गाम, दुग्धम, दुहती। जैसे गाम, गोपाल गाय से दूध को दोहता है। अब यहाँ पर जो सॉरी गाय से, इसमें ये हुआ गाय से दूध को दोहता है, तो इसमें ये गौण हो गए और ये कर्म कारक हो गए। तो अपन लिख देंगे रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति, कारण कारण रहेगा अकथितम च, अकथितम च योगी, अकथितम योग, अकथितम च के योग में द्वितीय विभक्ति है। अतः आप आज द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्मकार को इस प्रकार से सूत्रों के माध्यम से समझें, इसको उतारें और पढ़ें। ये आज कर्मकारक ही आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, आगे आपको कर्ण संप्रदान ये कारक पढ़ाए जाएंगे। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें, आज का यही मैटर रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।